नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कल मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल की पहली अग्नि परीक्षा है। जी हां, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना लगातार सातवां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बनाएंगी। आम चुनावों के बाद आने वाले इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर बनी हुई है। इस बार के चुनाव परिणामों में केंद्र में 10 साल तक बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कम सीटों में संतोष करना पड़ा है। सत्ताधारी दल की सीटों में कमी का सबसे बड़ा कारण जनहित के मुद्दों पर केंद्र की अनदेखी को माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार इन वर्गों को इस बजट में साध पाएगी या फिर ऐसा बजट लाएगी कि जनता को फिर नाराज कर देगी। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कल बजट में सरकार कौन सी सौगातें दे सकती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि सरकार को कौन सी सौगातें वाकई जनता को देनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश करेंगी। सरकार ने इस बजट को लेकर उद्योग जगत और अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ लंबी बैठक करके उनके सुझाव लिए हैं। हालांकि इस बार अपने दम पर बहुमत हासिल करने से चूकी बीजेपी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। उसे आम जनता के साथ साथ दो अहम सहयोगी दलों TDP और JDU की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि कल पेश होने वाले बजट में क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि मिडिल क्लास को क्या क्या सौगातें मिलनी ही चाहिए। PM किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है। पूंजीगत खर्च पर सरकार का ध्यान बना रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। OPS को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है। PLI योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है। श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कल के बजट में वाकई कौन सी सौगातें मिडिल क्लास को मिलनी ही चाहिए। जैसे बजट में 2047 तक विकसित भारत का रोडमैप तैयार होना चाहिए। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका तैयार होना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में PM आवास योजना को लेकर ऐलान होना चाहिए। कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं लानी चाहिए। किसान सम्मान निधि में वृद्धि होनी चाहिए। आयकर स्लैब में बदलाव होने चाहिए। खपत बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। हाउसिंग लोन लेने पर भी नई रियायतें मिलनी चाहिए। रोजगार सृजन के रास्ते खुलने चाहिए। MSME पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बुजुर्गों को रेलवे यात्रा में छूट की बहाली की जानी चाहिए। देखा जाए तो इस बार केंद्र में 10 साल तक बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रही भाजपा को इस बार आम चुनाव में बहुमत से कम सीटों से संतोष करना पड़ा। चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने किसानों, बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों की परेशानियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा और वो बहुत हद तक अपने मकसद में सफल भी रहे। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन वर्गों के लोगों को सरकार इस बार बजट में कैसे साधती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।